सगळे भाने गणी गणी राम राम थारो देसी पत्रकार सुनील किसान फोक्स चैनल हूँ राजेश भाई के साथ। आज मैं पूछूँ उदयपुर वाटी, तो उदयपुर वाटी के मायने सुकन चौधरी की एक प्रेस वार्ता ही जकी के मैं भाई स्पेशली लोक बागा ने बुलाया गया क्या तो करा था नूर की या जो मीटिंग बैठी है जो प्रेस वार्ता हुई है यूँ रूबरू आम जनता तक की बातें पहुंचाते रहते हैं और जनता तक बातें पहुंचाने का इसलिए भी विषय नहीं कि जनता स्वयं इन दुखों से दुखी है। फिर भी आज उदयपुरवाड़ी विधानसभा में हो रहे भय भ्रष्टाचार व्यभिचार बढ़ रहे बलात्कार जो चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं एससी एसटी के खिलाफ हो रहे निरंतर मुकदमे और मुकदमों के FIR हर दिन ऐसी बातें जिनका कोई औचित्य नहीं भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदों ने मिलकर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया उसके बाद भी लगातार लोग उसमें कमियां ढूंढते रहते हैं। मैं लोगों से भी और मीडिया के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं क्या हम सब लोग मिलकर उदयपुर वाटी की जनता को न्याय मिले ऐसा कुछ सोच रखें, ऐसी कुछ आवाज़ को बुलंद करें, ऐसी कुछ बात को जनता तक पहुंचाएं। मेरी इन समस्याओं में शहर में एक भी जगह 3 साल से लगातार देख रहा हूं किसी गली में सफाई नहीं, किसी नाली में सफाई नहीं, एक भी जगह कहीं काम करते हुए मजदूर हमें मिले नहीं। नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, टेंडरों में अनियमितता हो रही है, विकास कार्यों में भेदभाव करते हुए अपने चहेतों को और कमीशन खोरों को टेंडर दिए जाते हैं, ऐसा आज उदयपुर वाटी की जनता के मुंह पर है और हर एक व्यक्ति पार्षद इस बात की शिकायत करता है। पिछले 1 साल से लगातार न बिजली है, न पानी है, न सफाई है, ऐसी विडंबना है कि कहने को तो रोज़ाना सुनते हैं कि शहर में और क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बिजली व पानी की सप्लाई हो रही है, वार्ड पार्षदों के माध्यम से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के 9 पार्षद आज आपके बीच में यहाँ विराजमान हैं और कांग्रेस के लोगों से भी हमने बात करी है, हमें तो आज तक ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति मिला नहीं जो ये कहे कि मुझे कहकर इस वार्ड में इतने टैंकर डाले गए, जबकि करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ। ऐसा परसों मैंने ANPHD के माध्यम से भी आप लोगों के माध्यम से सुना, वो भी कह रहे थे नगर पालिका में भी ये चर्चा है पर पानी की बूंद कहीं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिली नहीं और कहीं टैंकर हमने सप्लाई होते देखा नहीं। फोटो ज़रूर कहीं देखते हैं कि पानी के टैंकरों में से पानी निकल रहा है पर वो पानी कहीं जा रहा है या कहीं भर रहे हैं कि वो खाली कर रहे हैं, पर जनता इस बात की साक्षी है कि कहीं भी कोई पानी की बूंद सप्लाई नहीं की गई। लगातार फसल के समय भी गर्मियों में भी बिजली की ऐसी किल्लत मची हुई है, कभी कहते हैं कोयला नहीं, कभी कहते हैं सप्लाई नहीं, कभी कहते हैं फॉल्ट है, जब आपका मादा कोयला खरीदने का नहीं था, जब आपकी हिम्मत फॉल्ट ठीक करने की नहीं थी तो आपको किसने न्योता दिया था कि जनता को गुमराह करो, आप जनता को धोखा दो, हम 24 घंटे बिजली की सप्लाई करेंगे, हम किसानों का 2-2 लाख रुपया लोन माफ़ करेंगे, हम बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, हम बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे, एक भी बात आपने पूरी की नहीं। और चुनाव से पहले सब कहते रहे 10 दिन के अंदर हम ये सारे काम पूरा कर देंगे। मैं राजस्थान की सरकार से और क्षेत्रीय विधायक जो राजस्थान की सरकार में मंत्री भी बने हुए हैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सारी की सारी समस्याएं, ये लोन कब माफ़ होगा, ये बिजली कब सही सलामत सप्लाई होगी, ये पानी पीने को जनता को कब मिलेगा, ये टेंडरों का भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, ये नालियों की सफाई कब होगी, ये सड़कों की सफाई कब होगी, ये विकास कार्य कब होंगे, वो बड़ी बड़ी बातें आप कहते थे, वो एक जेब में मैं कुंभा लिप को लेकर घूमता हूँ, एक जेब में कॉलेज लेके घूमता हूँ। आपने उद्घाटन तो बहुत से कर दिए, पत्थर तो लगाने का आपको शौक है क्योंकि पिछली वाली सरकार में लोकार्पण के बहुत पत्थर लगे, आप लोकार्पण तो हो नहीं पाया पर उद्घाटन के आप जगह जगह लगा रहे हैं। कहाँ है अभी गोरखपथ का तो कहीं नामो निशान नहीं, लोगों के अरबों रुपये की संपत्ति तो आपने उजाड़ दी, लोग तो त्राहीमाम कर रहे हैं, बरसात आने वाली है, पानी आया तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा, लोगों की ज़मीनें खराब होंगी, घर खराब होंगे, वैसे ही बिना जरूरत के आपने इसको 60 फीट चौड़ा करके
एक उदाहरण तो वहाँ रख दिया, पर वहाँ हालात क्या हैं, काम का क्या हुआ, कुछ हटा पता नहीं। पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ, हम तो कॉलेज लेके आए, पहले वालों ने तो कुछ किया नहीं, वो कॉलेज कहीं है मुझे नज़र आई नहीं अभी तक। ये सारे फिर चलिए, आपके कॉलेज कब बनेंगी, ये गौरवपथ कब बनेंगे, वो तो आगे की बात है। कम से कम पीने का पानी तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आप पीने का पानी तो दे दें ताकि लोग कम से कम पानी तो पी सकें, इस गर्मी में बिजली की सप्लाई तो कर दें ताकि हम लोग कम से कम आराम से, दिन में मजदूरी करने वाला आदमी रात को सो तो सके। आपने एक भी टेंडर नगरपालिका उदयपुर वाटी में बिना भ्रष्टाचार के, बिना कमीशन के, चाहे वो चेयरमैन हो, वो चाहे ईओ हो, वो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो, बिना किसी पैसे के, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी मुंह देखे बिना आपने टेंडर दिया नहीं लगातार। मैं समझता हूं कि शायद अब ये संख्या 60 के आसपास पहुंच गई है। एससी एसटी के 59 मुकदमे पिछले दिनों थे, उदयपुर वाटी हो चाहे गुढ़ा हो, जहाँ कहीं भी मुकदमा दर्ज होता सब पे FIR लग रही है। तो क्या सारे के सारे मुकदमे झूठे थे, क्या सभी निराधार थे? लगातार लोगों ने शिकायतें की, और जिस किसी की भी शिकायत की पिछले दिनों, तो एक समुदाय विशेष के लोगों ने एससी एसटी के एक बच्चे के सिर में इतनी बड़ी चोट मारी, फ्रैक्चर की रिपोर्ट मेरे पास मेरे मोबाइल में है, मैं FIR दिखा सकता हूँ, 308 का 307 का मुकदमा धारा तक अब तक नहीं लगी। और जिस किसी व्यक्ति ने ये गलती की, जिसको भ्रष्टाचार के वजह से या मुकदमा दर्ज नहीं करने की वजह से बर्खास्त किया गया था, मैं समझता हूँ कि 70 साल के आज़ाद हिंदुस्तान के में एक काला अध्याय लिखा गया कि 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को वापस रीस्टैंड बिना कोई इंक्वायरी के, बिना कोई उसको बहाल किए बिना, और वहीं बैठा दिया गया मात्र और मात्र इस बात के लिए कि वो व्यक्ति जिनके सिर फोड़े गए थे उनके कोई न्याय नहीं मिल जाए, उनके खिलाफ 307 की धारा नहीं लग जाए। ये हालात आज राजस्थान में उदयपुर वाटी विधानसभा के हैं। आप एक जगह तो एक ऐसी दलित समाज के AEN असिस्टेंट इंजीनियर के 22-22 फ्रैक्चर हुए हैं, वो आज तक चल फिर नहीं सकता, वो खुद बेड पर है, और उसको मारने वाले अपने मित्र विधायक के लिए आप जुलूस निकालने जाते हैं, आप नाच गाना करते हैं, लोगों को वहाँ से धमकियाँ देते हैं, कभी आप सीकर में पेट्रोल उड़ेने जाते हैं। उदयपुर वाटी में तो बहुत सी अन्याय हो रही है, बहुत सी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, बहुत से व्यभिचार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, बहुत सी लड़कियों को आपके माध्यम से आपके संरक्षण में कहीं अगवा भी किया गया है। आपने आज तक तो कहीं कोई पेट्रोल डालने की बात करी नहीं, इस क्षेत्र की जनता को तो न्याय देने की आपने बात करी नहीं, बस लोगों को धमकाना, लोगों को डराना, इसके सिवा कुछ काम आपने किया? या सिर्फ अन्याय करने वाले या मारपीट करने वाले लोगों के साथ जुलूस निकालने का काम ही आप करते हैं? आपने उदयपुर वाटी नगर पालिका में ही नहीं, संपूर्ण विधानसभा में राज्य सरकार ने मंशा जाहिर की, हम गरीबों को, जरूरतमंदों को, भूमिहीनों को पट्टा देंगे, और आपने उस पट्टे के अंदर पूरी विधानसभा में नगर पालिका में खुलेआम मतलब बचा रखा है, पैसा लाओ पट्टा पाओ, पैसा लाओ पट्टा पाओ। जिसके पास पैसा है देने के लिए, चेयरमैन को दे, ईओ को दे, मंत्री महोदय को दे, जिसको पैसा, जिसने पैसा दे दिया, जिसने वोट की हाँ कर ली, उसको पट्टा मिलेगा। गरीब जरूरतमंद भूमिहीन लोगों को आज तक कोई पट्टा मिला नहीं। आप 3 पट्टे देके 300 पट्टे लिखवाते हैं, वो रिकॉर्ड हमारे सामने लाया जाए, कहाँ आपने कितने पट्टे दे दिए? पर रिकॉर्ड तो तब लाएंगे ना जब आप पट्टे किसी को देंगे। आपने अपेक्षित लोगों को एक भी पट्टा अभी तक जारी किया नहीं। आपने लोगों की निजी भूमि पर लोगों को बसाने का काम किया, 3 दिन बाद लोग खाली करते हैं। आपने कानून बनाया 1986 से पहले रहने का नियम होना चाहिए, उसके पास कोई प्रमाण होना चाहिए, और बातें करते हो सरकार में विधानसभा में, हम तो गरीब और भूमिहीन आदमी को पट्टा देंगे, तो फिर ये नियम किस बात के लगाए हैं? कलेक्टर की चिट्ठी मेरे पास मोबाइल में है, जिसने ज़मीनों को जहाँ परिवर्तित किया है, चाहे आप भूणा जी का नाम ही ले लीजिए, वहाँ लिखा है 1986 से पहले रहने का प्रमाण पत्र चाहिए, बिजली पानी टेलीफोन के बिल चाहिए, सड़क पर रहने वाले लोगों को रह दे नहीं सकते, लोग तो आधे से ज़्यादा वहाँ सड़क पर बसे हुए हैं, तो क्या बने बने मकान आप तोड़ेंगे? क्यों आप लोगों को, किसी सरपंच को बदनाम कर रहे हैं? क्यों आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम कर रहे हैं? सरकार ने की और आपकी किसी की कोई मंशा है नहीं लोगों को न्याय देने की, इसलिए मैं समझता हूं कि अब आप न्याय देने का काम करें। आपने 1293 घंटे होटलों में गुजारी है सरकार ने, 1293 घंटे, और काम कितना किया पता है? 800
793 घंटे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करके चुनाव जीतकर विधानसभा में क्षेत्र की राजस्थान की जनता को के लिए काम करने वाले लोगों ने 793 घंटे काम किया और होटलों में ऐस कितने घंटे करी 1293 घंटे आप होटलों में मस्ती करते रहे, नाच गाने देखते रहे, ऐसो आराम करते रहे, स्विमिंग पूल में स्नान करते रहे, जनता को बिजली नहीं, आप स्विमिंग पूल में स्नान करेंगे, जनता को पीने का पानी नहीं, आप ऐसो आराम करेंगे और प्रदेश की जनता आपको देख रही है। बहुत कम समय बचा है। गहलोत साहब, आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार के नुमाइंदों से भी कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ, समय बहुत कम बचा है। क्या पता, जैसा लोग अभी कह रहे हैं कि टेम्पू भी भरने वाला नहीं है, मेरे तो आपका शुभ चिंतक हूँ, आप थोड़ा ठीक करेंगे तो हो सकता है इनोवा की सवारी पूरी हो जाए। इसलिए अब भी सरकार को जाग जाना चाहिए। वार्ड नंबर 29 में नगर पालिका में अवैध शराब का ठेका चल रहा है। बार बार शिकायतें करने के बाद भी आज तक इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि वो सरकार का या सरकार के नुमाइंदों का चहेता आदमी होगा। इस प्रकार की आपने सरकार ने इस प्रकार की अवैध ब्रांचें चला रखी हैं, जगह जगह लूट मचा रखी है। और तो आप रोजाना कहते हैं मैंने सरकार के में ये काम किया, हमने सरकार में वो काम किया। 4-6 को राजस्थान में 222 महात्मा गांधी विद्यालय खुले, उदयपुर वाटिका का कहीं नामो निशान नहीं। 4-6 को 399 सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान में बनी, उदयपुर वाटिका का कहीं नाम नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आप लूटते ही रहेंगे? आप लीज से पैसा आपका, नदी में से पैसा, ट्रैक्टर बिजली पर बदली भरने वालों से पैसा आपका, माइनिंग कोई चलाएगा, ग्रह से कोई चलाएगा तो पैसा आपको देगा। ये सारी की सारी लूट खसोटी करोगे या जनता को भी कुछ दोगे? जनता हिसाब मांग रही है। 222 में से एक विद्यालय नहीं खुला, 399 में से एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं बनी। आपने किसानों को साथ तो सबसे बड़ा धोखा जो आपने किया ही था, मैं पहले ही आपसे कह चुका कि 10 दिन के अंदर लोन माफ़ कर देंगे, 4 साल में तो हुआ नहीं। ऐसा ही अगर रहा तो आने वाले समय में ये जनता राजस्थान की आपका पूरा हिसाब चुकता कर देगी। और जनता में जो सरेआम हम ही नहीं कह रहे, कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी कह रहे हैं, काहे बगाए घुसपसाट करते हैं, टेम्पो भर जाए तो ठीक, पर मुझे नहीं लगता कि यही कारनामे आपके रहे तो कहीं टेम्पो भी भर पाएगा। और वो समय गया जब आप कहाँ कहाँ से पता नहीं पूरे राजस्थान में पर्चियाँ दे देकर कहाँ कहाँ से लोगों को उठा कर लाए थे, वो दोबारा आने वाले नहीं हैं। और अब भी समय है ये सरकार, ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जाग जाए, उदयपुर वाटिका की जनता का कुछ भला हो जाए। मैं आपके माध्यम से इन बातों को वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। कल परसों एक बहुत बड़ा एपिसोड जो आप लोगों ने देखा था, बीजेपी में दो फांट हैं, बीजेपी के दो पक्ष हैं, एक से लेकर 9 तक गिनती कर लीजिए, सारे के सारे पार्षदियाँ विराजमान हैं, सर्वमान्य सबके द्वारा फैसला किया हुआ नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच में विराजमान है राजेंद्र ढेंडवाल, और सब लोगों ने जोश और खरोश के साथ ये चुनाव किया है। भारतीय जनता पार्टी एक थी, भारतीय जनता पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इस पार्टी को तोड़ नहीं सकता, पर हम सब लोग एक हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए कभी हमारे दो सांसद हुआ करते थे, आज संसार की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा विधायक हमारे पास हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक पार्टी के सांसद हमारे पास हैं, और संसार में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे पास हैं। भारत माता की जय। राजेंद्र ढेनवाल, प्रतिपक्ष नगर पालिका उदयपुर वाटी और मंडल का महामंत्री का दायित्व है। आज हम इस प्रेस वार्ता में उदयपुर वाटी नगर पालिका की स्थानीय मुद्दों से लेकर के और आए दिन बढ़ रहे अत्याचार और अपराधों को लेकर के माननीय पूर्व विधायक श्रीमान सुप्रन जी चौधरी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है, जिसमें नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार व आए दिन जो विकास के में जो कमियां आ रही है, चारों तरफ पानी का संकट है, बिजली का संकट है व किसानों के साथ जो छलावा हुआ है, इस आधार को लेकर के इन विषयों पर आज माननीय पूर्व विधायक ने आज ये प्रेस वार्ता की है, जिसमें हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठे होकर के और सब ने इस बात को लेकर के विधायक साहब से चर्चा की थी कि उदयपुर वाटी में इन मुद्दों को उठाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि गांव में विकास कम हो रहा है।